नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ नए समय में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अब इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीजें रह गई, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए करंट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं फिक्स कैपिटल होती क्या है। फिक्स कैपिटल मीन्स जो कैपिटल हमें फिक्स असेट्स के लिए चाहिए। आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं फिक्स असेट्स क्या होती है, द असेट्स विच वी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम से मोर देन वन ईयर। जो असेट्स हम एक साल से ज्यादा के लिए खरीदते हैं, यानी कि एक साल से ज्यादा यूज होती है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार यूज की जाती है, जिनकी कॉस्ट यूज होती है, वो फिक्स कैपिटल फिक्स असेट्स होती है। और जो कैपिटल उनको खरीदने के लिए चाहिए वो क्या है, आपकी फिक्स्ड कैपिटल है। जैसे इस तरह फिक्स्ड कैपिटल मोस्ट एलोकेशन ऑफ फॉर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म असेट्स और प्रोसेस। जो कैपिटल जो है फर्म की कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म असेट्स पर रही हो, उस कैपिटल को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। सिंपल बात, ठीक है। यानी कैपिटल का वो हिस्सा जो हमने लॉन्ग टर्म असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट असेट्स को खरीदने के लिए यूज किया हुआ है, वो क्या है, आपकी फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। इसको मैनेज करना ही कैपिटल बस्टिंग भी कहलाता है, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी दोनों चीजें थी, एक्चुअली ये दोनों इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट था, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन वहां पर मैंने बताया। तो आइए अब बात करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि फर्म में फिक्स कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिक्स कैपिटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्म में, क्योंकि उन्हें खरीदना जब भी पड़ेगा आपको बहुत बड़े अमाउंट लगानी पड़ती है, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। और एक डिसीजन आपने खराब लिया, जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट में बताया था, तो आपको वो लंबे समय तक परेशान करने वाला है। सपोज कीजिए कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, यानी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आप वर्क करते हो और कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, और आपने कंस्ट्रक्शन के लिए जेसीबी खरीदी है, जेसीबी जो मशीन है सभी जानते हैं, बट आपने क्या किया, दो मशीन्स को कंपेयर किया अकॉर्डिंग टू प्राइस। टेक्नोलॉजी वाइज एक मशीन जो थी वो कम थी, उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन वो आपको सस्ती मिलती थी 10 लाख में। दूसरी जो क्वालिटी थी लेकिन महंगी मिलती थी वो आपको 12 से 13 लाख में मिली। आपने 10 लाख वाली खरीदी, व्हाट विल हैपन, आने वाले 4-5 साल जब तक वो मशीन काम देगी आपकी, वो बार बार खराब हो सकती है, उस पर बार बार रिपेयर कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। या उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो आपका जो वर्कलोड है वो उठा सके, तो हर सिचुएशन में लॉस है। और इतना ज्यादा पैसा आप एकदम से दोबारा भी नहीं लगा सकते, यानी कि रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखें कि फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन जब भी लें तो बड़े ध्यान से लेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन्हें देखना चाहिए हमें फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन लेते समय। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा। मेनली बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक तो कौन सा होता है जो ट्रेडिंग करता, एक जगह से सामान खरीदा दूसरी जगह बेचे, ठीक है। उसे इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, उसे इतनी ज्यादा किसकी जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, उसे तो क्या चाहिए, सिंपल काउंटर रखा, दुकान चाहिए, लाइट बिल्डिंग चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक दो फ्रिज की आवश्यकता पड़ सकती है सामान को एक दो दिन के लिए सेव करने के लिए, है ना। इससे ज्यादा कुछ बड़ी उसको रिक्वायरमेंट नहीं, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। एक तरफ दूसरा बिजनेस होता है प्रोडक्शन करने वाला बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसको कहते हैं,
वहां पर आपको बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। मशीनों में यूज होने वाला जो रॉ मेटेरियल है, मान लीजिए कोई डाई बिजनेस है, डाई करने वाला बिजनेस है, जो क्या करता है कपड़ों को डाई करता है। अब उसको डाई मशीन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जो पानी है वो गर्म चाहिएगा, तो पानी के लिए बॉयलर भी लगाना पड़ेगा। दोनों में बहुत ज्यादा कॉस्ट आने वाली है। यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो जो चीज हम बना रहे हैं वो मशीनों से बनेगी, तो मशीनें खरीदनी पड़ेगी, तो इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए। दूसरा स्केल ऑफ आपका बिजनेस कितना छोटा है या कितना बड़ा है। अगर आपका बिजनेस छोटी सी दुकान है तो ज्यादा आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत ही नहीं है ना, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि आपका बिजनेस बड़े स्केल पर शहर देश के हर शहर में फैला हुआ है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है जरूर पड़ेगी, क्योंकि आपके बिजनेस का जो साइज है बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें आपने हर एक जगह पर कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ वहां से कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम जरूर सेटअप करना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी जब खरीदोगे वो किसका पार्ट है, ठीक है बात क्लियर हो गई। तो तीसरा है आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की दो टेक्निक्स होती है, पहला लेबर इंटेंसिव और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। यानी कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बढ़ा दीजिए, ज्यादा लेबर लगाए वो ज्यादा काम करेगी, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। दूसरी एक अच्छी सी मशीन लाओ, ठीक है, जिसको ऑपरेट करने वाले 3-4 आदमी रखेंगे, वो मशीन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, वो क्या है कैपिटल इंटेंसिव। अगर आप मशीन खरीदोगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, सॉरी फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर आप लेबर लेकर आ रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, उनको वेजेस वगैरह, ठीक है। तो यदि आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की है तो ज्यादा मशीनें चाहिए, अर्थात फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद हो जाती है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं टेक्नोलॉजी आ गई, अगली टेक्नोलॉजी हो सकता है 10 साल बाद आएगी। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन्स में टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, लैपटॉप्स में टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट होती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो बार बार अपडेट हो, वहां पर आपको हर बार नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है, तो फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा। जहां पर टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी से अपग्रेड नहीं होती, ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा जल्दी क्या नहीं होने वाली, जरूरत पड़ने वाली नहीं है, फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत कम नहीं पड़ने वाली नहीं है, कंपेयर टू द वहां जहां पर टेक्नोलॉजी जल्दी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। जिस बिजनेस की ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है, जिसे ग्रोथ होने का मौका ज्यादा है, उसे नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। और जिसके पास ग्रोथ की संभावनाएं कम है, यानी कि उसका ग्रोथ होने का भी चांस कम है, तो उसे नई टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम अपडेट करने की जरूरत नहीं है, और जब ये जरूरत नहीं है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। यदि एक बिजनेस डाइवर्सिफाई नहीं है, यानी कि वो एक ही चीज बनाता है, चेयर्स बनाता चला जाता है, ठीक है, तो उसको फिक्स कैपिटल की जरूरत कम है। एक बिजनेस है जो प्लास्टिक के बहुत सारे चीजें बनाता है, चेयर भी बनाता है, टेबल भी बनाता है, खिलौने भी बनाता है ना, प्लास्टिक के और घरों में यूज होने वाली सारी चीजें, आइटम्स बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है, तो वो बिजनेस ज्यादा डाइवर्सिफाई है तो उसको फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा है। जो कई सारी चीजें बनाता है, ज्यादा डाइवर्सिफाई, तो उसको कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, जो केवल एक या दो ही चीजें बनाता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है लीजिंग फैसिलिटी। फाइनेंसिंग फैसिलिटीज है, लीजिंग फैसिलिटीज है या नहीं, लीज होता है किराए पर,
जहां पर लीज पर किराए पर मिल जाती है आपको प्रॉपर्टी मशीनरी या इजी ईएमआई से मिल जाती है, जैसे बसेस वगैरह स्कूल को इजी ईएमआई पे मिल जाती है, तो वहां पर एकदम से आपको ज्यादा पैसा नहीं देना, अर्थात फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कम रहेगी। जहां पर ये सुविधाएं नहीं है तो वहां पर एकदम से आपको इतना बड़ा पैसा देना पड़ेगा, जिसे क्या कहेंगे हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ने। लास्ट पॉइंट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एटीएम मशीन है, आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड है, आप कोई भी एटीएम मिलता है वहां जाकर निकलवा लेते हैं, ठीक है। क्या होगा यदि बैंक कहे, एसबीआई कहे कि मेरे कार्ड से सिर्फ एसबीआई के एटीएम से ही निकलेंगे, एचडीएफसी कहे मेरे बैंक से सिर्फ एचडीएफसी के एटीएम से ही निकलेंगे, अगर ऐसा हो जाए तो नंबर ऑफ एटीएम्स की जरूरत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी, यानी कि हर बैंक को और ज्यादा एटीएम लगाने पड़ेंगे और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, ठीक है बात। अब कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, तो हर कस्टमर जाके किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लेते, तो कोलैबोरेशन के साथ एटीएम्स की जरूरत कम है, यानी कि फिक्स कैपिटल की जरूरत क्या है कम रहेगी। जहां पर कोलैबोरेशन होगा वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, और जहां पर कोलैबोरेशन नहीं होगा वहां पर फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा होगी। तो ये था आज के लिए, धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।